जय हिंद दोस्तों। दोस्तों बीएसएफ में आपके लिए बम्पर भर्ती आई हुई है और जिसमें टेंथ और ट्वेल्थ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्या चीज़ है, एक एक नोटिफिकेशन में देखते हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और आपकी सैलरी लगभग 81,000 तक की हो सकती है, ठीक है। और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 12 जून के जून तक है, तो इसके पहले तक आप बिल्कुल अप्लाई कर लें। साइट जो है वो कभी भी बिजी भी हो सकती है, एक दो दिन तीन दिन बहुत बिजी रहती है, उसके पहले आप अप्लाई करिए, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन का, फ्रेंड्स नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा और कैसे अप्लाई करना है उसका भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई करने का मिल जाएगा। तो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कि क्या चीज़ है इसमें। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल में नोटिफिकेशन आया था, और एप्लीकेशन जो है वो आपका 14/5, ठीक है, 14 मई से स्टार्ट है। लास्ट डेट फ्रेंड इसकी जो है वो है 12 जून, ठीक है, 12 जून से है, आप देख सकते हैं। और लास्ट डेट इसकी फीस जो है वो 12 जून को आप पूरा फीस जमा कर देंगे। और एग्ज़ाम डेट इसका जो स्टार्ट है वो 28/7 है। मतलब कि जो एसएससी जीडीयूडी से रिलेटेड है, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो 10वीं कर चुके हैं, 12वीं कर चुके हैं, उन लोग के लिए भी ये बेनिफिट हो सकती है पोस्ट। आप देख सकते हैं सेकंड क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है आपका, और सारा कुछ डेट दे रखा है कि इतने इतने में सब कुछ होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है और थर्ड फेज जो है वो मेडिकल टेस्ट है, और सारा डेट दे रखा है एक एक करके। और दूसरा चीज़ में जो है फ्रेंड देख सकते हैं, जनरल EWS और OBC वालों के लिए 100 रुपये फीस है, और आप इधर देख सकते हैं SC ST वालों के लिए क्या है और फीमेल के लिए क्या है, कोई भी कैटेगरी की हो उसके लिए 0 रुपया है, ठीक है, मतलब 1 रुपये भी अमाउंट नहीं है, फ्री में है, फ्री में फॉर्म आप भर सकते हैं। जो महिला हैं और जो एस सी एस टी से हैं, मैं उनसे कहूँगा आप फॉर्म भरिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फीस नहीं इसमें लग रही, ठीक है। अब एक एक करके हम नोटिफिकेशन देखते हैं, नोटिफिकेशन में क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है और कितनी सीटें हैं, ठीक है, सीट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, और इसका फेज़ वन एग्ज़ाम कैसे होगा, फेज़ टू कैसे होगा, फेज़ वन का सिलेबस क्या है, फेज़ टू कैसे होगा, मेडिकल कितना मांग रहा है, ठीक है, हर एक चीज़ देखेंगे, इसका एग्ज़ाम कब है, सब कुछ अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो पे बिल्कुल बने रहिए, अच्छी वैकेंसी है आपके लिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है BSF में आपको हेड कॉन्स्टेबल का काम करने का, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पोस्ट नेम आपका हेड कांस्टेबल है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपकी लगभग 1072 है, ठीक है। पे स्केल आप देख सकते हैं 25,000 से लेकर इतना तक है, 25,000 से। क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं है, ठीक है फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो 10वीं है। तब देखते हैं और क्या क्या है इसमें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें लिखा है, हम जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है उसको देखते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपेंड इतना से, जो कि अभी मैंने बताया था, एंड विल बी क्लोज ऑन 12 at 11, मतलब कि 12 जून को रात के 12 बजे तक, ठीक है, उसके एक मिनट पहले 11 बज के, ठीक है, 11 लगभग 11-12 बजे के बीच में आपका इतना तक ऑनलाइन स्टार्ट होगा, आप तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इतना देर नहीं करें क्योंकि उस टाइम बिजी हो जाती है साइट, ठीक है। कैसे फॉर्म भरना है ये भी मैं बताऊँगा, वीडियो को बिल्कुल बने रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें हम देखते हैं, अब इसमें क्या देखते हैं एक, ठीक है, तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर है, लेवल 4 पे मैट्रिक्स है, और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक्स है, तो अलग अलग पे स्केल है। तो अब एक और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं इसमें जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फेज़ फर्स्ट रिटन टेस्ट है, ओ मार बेस्ड है, ऑनलाइन नहीं है ये, ओ मार बेस्ड है, मतलब आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में सेकेंड फेज जो आप देख सकते हैं PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है आपका, नेक्स्ट राउंड है, और लास्ट थर्ड राउंड है जो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड एक बार आप देख सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस विजन शुल्ड भी एक एक देखते हैं, मिनिमम डिस्टेंस विजन शुल्ड भी 6x6, 6x9, और बोथ एज विदाउट करेक्शन एंड विदाउट वियरिंग ग्लासेस, मतलब आपका 6x6 and 6x9 होना चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल नॉर्मल आइज होना चाहिए और चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। सेकंड क्या है, मस्ट पास हाई ग्रेड कलर विजन टेस्ट भी आपको लिया जाएगा, और साथ में कलर विजन टेस्ट जो आपका क्या कहते हैं, ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है उसको भी देखा जाएगा। और आप देखते हैं मस्ट नॉट हैव नॉकनी फ्लैट फीट और वेरिकोज वीन और स्क्वाइंट इन आइज एंड दे शुड प्रोसेस ऑफ CP3/ESIRA, यही कलर ब्लाइंडनेस ही होता है ESIRA। फोर्थ पॉइंट क्या है, मस्ट बी इन साउंड मेंटल
बॉडली हेल्थ एंड फ्री ऑफ एनी डिफेक्ट और लाइकली टू इनफेयर विद द एफिशिएंसी परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी। मतलब कोई भी डिसीज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मेडिकल जो स्टैंडर्ड एसएससी जीडी यूडी में लगता है वही वो इसमें भी फॉलो होगा, जैसे उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट, इसमें देखते हैं और क्या है। फ्रेंड्स इसमें साफ साफ दे रखा है ईडब्ल्यूएस, आजकल क्या है ईडब्ल्यूएस के कुछ सीटें आज उन लोग को भी रिजर्वेशन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उन लोगों के लिए भी ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म और उनके लिए इतनी परसेंट सीट है, तो ये कंडीशन होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का आपने ऑलरेडी कोई ना कोई फॉर्म भरा होगा, उसमें जो सरकार की तरफ से जो बता रखा है कि इतने इतने स्क्वायर लैंड होना चाहिए, इतना क्या कहते हैं रुपीस मैक्सिमम एनुअल इनकम होना चाहिए फादर की, ठीक है, तो उसी को ये ईडब्ल्यूएस का क्या है ईडब्ल्यूएस का आपको क्या कहते हैं बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए है, अब इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स और इसमें देखते हैं क्या ईडब्ल्यूएस आपको पता होगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इसमें कि फेज फर्स्ट जो होगा इसमें एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फेज फर्स्ट इसमें जो होने वाला है पहला एग्जाम जो होगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पार्ट वन जो है एक्चुअली एक जो ट्वेल्थ बेस पे है पीसीएम बेस पे है, तो आप देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स होगा, मैथमेटिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और इंग्लिश जीके होगा। ठीक है, और टोटल आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 100 होंगे और मार्क्स कितने का होगा 200 होगा। ठीक है, और साथ में फ्रेंड्स इसमें बता रखा है कि आपका निगेटिव मार्क भी होगा, निगेटिव मार्क होगा। ठीक है, 2 मार्क्स, ठीक है, 0.5 मार्क्स डिडक्ट होगा आपका, और ठीक है ओमार बेस्ड आपका एग्जाम होगा। तो ये मेथड फर्स्ट है आपका, ये रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट में ये है, सिलेबस आपका वही ट्वेल्थ बेस पे है। अब सेकेंड फेज क्या है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, सेकेंड फेज जो इसमें है, ठीक है, सेकेंड फेज क्या है इसमें, सेकेंड फेज आप देख सकते हैं इसमें, सेकेंड फेज आपका पीटी है। पीटी के लिए आपके लिए क्या क्या होना चाहिए ये आप देखिए फ्रेंड्स, पीटी के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, पीटी के लिए आपको क्या क्या लिया जाएगा पीटी में आप देख सकते हैं। पीटी जो होगा वो आपका वन जो मेल है, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 6.5 मिनट में, ठीक है, रेस लगानी पड़ेगी 800 मीटर, और फीमेल के लिए क्या करना है 800 मीटर रेस, मतलब एसएससी जीडी से बहुत कम है, 4 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। लॉन्ग जंप होगा 3.6 मीटर होगा, ठीक है, और 3 चांस हुए जाएंगे, और 9 फीट लॉन्ग जंप होगा, ठीक है, लॉन्ग जंप भी होगा इसमें, हाई जंप होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं लॉन्ग जंप 3.6 मीटर मेल का है और फीमेल का कितना है 9 फीट लॉन्ग जंप है, ठीक है, फीमेल का और देखिए हाई जंप कितना 1.2 मीटर है, 3 चांस मिलेंगे, और फीमेल के लिए कितना है 3 फीट दिया जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या मांगा जाएगा, आपके लिए एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट होता है वो मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ है। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट थर्ड राउंड का है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आप देख सकते हैं दो घंटा 30 मिनट होगा, जिसमें कि 150 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे और सारे इसके क्वेश्चन होंगे आप देख सकते हैं रिटन, ये एक्चुअली रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट पहले ही मैंने बता दिया था अभी आपको कि जिसमें 2.5 घंटे दिए जाएंगे, 150 मार्क्स होंगे, ठीक है, 12 स्टैंडर्ड के बेस पे होंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आप देख सकते हैं आपको पैराग्राफ लिखाया जाएगा, ठीक है, आपको इंग्लिश राइटिंग लिखाया जाएगा, 50 मार्क्स का होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसका कोई मार्क्स नहीं जुड़ेगा, बस क्वालिफाई करना है, ठीक है, और आप देख सकते हैं इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो गया। अब इसमें फ्रेंड्स यही होगा, फोर्थ आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, फोर्थ जो होगा आपका मेडिकल होगा, ठीक है, तो ये कुछ क्वालिफिकेशन थी जो आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसमें मेन चीज़ क्या देखते हैं, सबमिट फॉर्म कैसे करना है, मैं आपको बता दूंगा, लिंक दे दूंगा, लिंक से उससे आप फॉर्म भर सकते हैं। स्टार्ट डेट आपका इतना है 12 जून है। मोड ऑफ पेमेंट जो होगा वो आप डेबिट ओबिट कार्ड से कर सकते हैं, 100 रुपये आपकी फीस है जनरल ओबीसी वालों के लिए, ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मैं साथ में ये भी बता देता हूँ आपको कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका एससी रेडियो ऑपरेटर की जो जगह निकली है उसमें जनरल की इतनी फीस है, इतनी सीट है, और ईडब्ल्यूएस की 31 है, टोटल 300, इसमें एससी ओबीसी वालों के लिए नहीं है, वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, 300 सीटें हैं, 18 से 25 साल की एज है इनकी, और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ट्वेल्थ बेस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किए हों, ठीक है, पीसीएम किए हों, या
दसवीं से आईटीआई कर रखे हो, दसवीं से आईटीआई किससे कर रखे हो, रेडियो से कर रखे हो, टेलीविजन से कर रखे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखे हो, तो अलग अलग जो आईटीआई है, तो ये आप देख सकते हैं ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यही लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दसवीं प्लस आईटीआई वाले कर सकते हैं फ्रेंड्स, और बारहवीं वाले भी जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। और दूसरा जो वैकेंसी आप देख सकते हैं एससी रेडियो मैकेनिक्स, इसकी अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है 772, ठीक है, जिसमें जनरल की 349, ओबीसी की भी निकली हुई है, एससी एसटी सबकी निकली हुई है, इसकी एससी एसटी नहीं लिख रखी, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये कुछ एलिजिबिलिटी हैं जो आपको ध्यान रखना है। और आपको अब क्या है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ लिंक को डालना, लिंक जो मिलेगा आपको, ठीक है, लिंक जो मिलेगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड, कोई भी जितनी भी वैकेंसी से रिलेटेड और कुछ एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो फ्रेंड्स, उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। और हाँ, कोई डाउट हो मेरे को कमेंट करके बोले कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन अप्लाई नहीं कर सकता, मैं एक एक लोग का जवाब जरूर दूंगा। शुरू के आधा घंटा एक घंटा जरूर तक मैं जरूर मैसेज देखता हूँ, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो के लिए इंतजार करें, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।